नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में यूपी की 13 सीटों के साथ ही सोनभद्र जिले में दुद्धी उपनिर्वाचन क्षेत्र के लिए शनिवार को मतदान जारी है। मोदी योगी के गढ़ में होने वाली निर्णायक लड़ाई पर सभी की निगाहें लगी हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे अहम वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं गोरखपुर की चर्चित सीट से भाजपा ने अभिनेता और मौजूदा सांसद रवि किशन को उतारा है। चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और मिर्जापुर सीट से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हैट्रिक के इरादे से चुनाव मैदान में है। गाजीपुर की लड़ाई भी रोचक है। सपा ने यहां से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को टिकट दिया है। अफजाल ने पिछले चुनाव में बसपा के टिकट पर जीत हासिल की थी। सातवें चरण में मेहरागंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज निर्वाचन क्षेत्र के 2,50,56,977 मतदाता 144 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 134 पुरुष और 10 महिला प्रत्याशी हैं। 28 उम्मीदवार घोसी और सबसे कम 7-7 प्रत्याशी वाराणसी और देवरिया में हैं। मतदान के लिए 25,658 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें 4,165 संवेदनशील हैं। रिपोर्ट ऋतु झा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।